प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिन्नमाल। बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, भारत का भूगोल, इसमें है भारत की प्रमुख खनिज जो अयस्क है, इसमें अभ्रक का महत्वपूर्ण स्थान आता है, इस पर चर्चा करेंगे। अभ्रक एक ऐसा अधात्विक खनिज है जो आग्नेय या कायंत्रित चट्टानों में काले या सफ़ेद रंग में पाया जाता है। ये पारदर्शी हल्का चमकीला परतों के रूप में पाया जाता है। उच्च ताप पर गलने के कारण अधिकतर उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। बिजली का कुचालक होने के कारण वर्तमान में अभ्रक का सर्वाधिक उपयोग बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। उच्च वोल्टेज सहन शक्ति तथा शक्ति का निम्न ह्रास करने के कारण बिजली के उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग और अधिक बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त औषधि निर्माण, तार, टेलीफोन, बैटरी के तार, रेडियो, मीटर, स्टोव, वायुयान, श्रृंगार सामग्री, खिलौने, मिट्टी के बर्तन पर चमक आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेत्र रक्षक चश्मों, खिड़कियों, सजावट का सामान, चिमनियों, युद्ध कौशल की धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार लगभग 400,000 टन है। इसका 67% भाग आंध्र प्रदेश, 22% भाग बिहार और 3% भाग झारखंड और बाकी का भाग 8% राजस्थान में पाया जाता है। भारत में अभ्रक की 2-3 किस्में पाई जाती हैं। सफ़ेद अभ्रक, जिसको रूबी अभ्रक भी कहते हैं, इसे मस्कोवाइट भी कहा जाता है। एक होता है गुलाबी अभ्रक, जो गुलाबी रंग का होता है, इसे बायोटाइट भी कहते हैं। पीले रंग का जो अभ्रक होता है, इसे फ्लोगोपाइट भी अभ्रक कहते हैं। इस प्रकार 3 किस्में भारत में गुणवत्ता तथा रंग के आधार पर देखी जा सकती है। अब अभ्रक का उत्पादन कितना है और भंडारण कितना है और उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अभ्रक के उत्पादन तथा भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ विश्व के कुल अभ्रक उत्पादन का 80% भाग उत्पादित होता है। भारत में उत्पादित अभ्रक उत्तम किस्म का है। निम्न श्रेणी के अभ्रक में माइकोनाइट तैयार कर लिया जाता है, जिसका 90% भाग उत्पादन भारत में ही होता है। अभ्रक उत्पादन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश। नेल्लोर जिला प्रमुख अभ्रक उत्पादक है। नेल्लोर में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक अर्धचंद्राकार आकृति में अभ्रक का भंडार पाया जाता है, जहाँ की अभ्रक विश्वविख्यात है। आंध्र प्रदेश का मुख्य अभ्रक उत्पादन क्षेत्र नेल्लोर, कुडप्पा, गुंटूर राज्यों में 65 किलोमीटर के क्षेत्र में खदान विस्तार से फैली हुई है। इसके अतिरिक्त विशाखापट्टनम, अनंतपुर, पश्चिमी गोदावरी आदि जिलों में भी अभ्रक का थोड़ा उत्पादन होता है। तेलंगाना के खम्मा में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में उत्पादित अभ्रक झारखंड की रूबी अभ्रक के निम्न श्रेणी तथा इसका रंग भी कुछ हल्का पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। दूसरा है बिहार। झारखंड राज्य के निर्माण से पूर्व बिहार भारत के प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य था, जो भारत के लगभग 48% अभ्रक का उत्पादन कर प्रथम स्थान पर था। लेकिन मुख्य उत्पादन क्षेत्र झारखंड में चले जाने के कारण बिहार में अभ्रक का उत्पादन केवल मात्र भारत का 22% ही रहा है। औरंगाबाद, भागलपुर, नवादा, शेखपुरा में अभ्रक का उत्पादन होता है। वर्तमान में गया जिला बिहार का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान राज्य। भारत में कुल उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। उत्पादन के दृष्टि से आंध्र प्रदेश बिहार के बाद इसका 3रा स्थान आता है। हाल ही में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में राजस्थान में अभ्रक के नए भंडारों का पता लगा है, जिसके कारण राजस्थान में अभ्रक की दृष्टि से प्रमुख राज्य बन गया है। यहाँ अभ्रक उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम जयपुर तथा उदयपुर जिले में खदानों का पता लगा है। यहाँ पर भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर, अजमेर, डूंगरपुर आदि प्रमुख जिलों में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, लेकिन थोड़ा घटिया किस्म का होता है। झारखंड राज्य। यह राज्य भारत के कुल अभ्रक उत्पादन का 3% भाग उत्पादित करता है। यहाँ अभ्रक एक विस्तृत पेटी के रूप में फैला हुआ है, जो चतरा के पूर्व में डुमका तथा कोडरमा से दक्षिणी सिंहभूमि जिले में विस्तृत है, जिसका विस्तार लगभग 3380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। अभ्रक कुल सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। झारखंड के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में देवगढ़, डुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, पलामू आदि जिले प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में कोविलपट्टी, कोयम्बटूर, मदुरई, नीलगिरी, सेलम, तिरुचनापल्ली, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालघाट,
नरसिंहपुरा छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा ओडिशा में संबलपुर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कटक, धनेकनाल कर्नाटक में हसन, मैसूर तथा हरियाणा में नारनौल, गुड़गांव आदि क्षेत्र में भी अब्रक का उत्पादन किया जाता है। भारत में अब्रक का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। वर्तमान में भारतीय अब्रक की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होने के कारण उत्पादन में कमी आई है। भारतीय अब्रक में प्रमुख आयातक देश में जापान, कनाडा, ब्रिटेन, पोलैंड, हॉलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, बेल्जियम, जर्मनी आदि प्रमुख हैं। लेकिन सर्वाधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन करते हैं, जो भारत में कुल निर्यात का 34% है। इस प्रकार हाल ही में कुछ वर्षों में भारत में अब्रक का उत्पादन तथा निर्यात दोनों में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण कृत्रिम अब्रक का उत्पादन अन्य देशों में प्रतिस्पर्धा, अधिक परिवहन व्यय तथा पुरानी तकनीकी विधि इसमें खनन करने के प्रमुख कारण है। विश्व बाजार में भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धा देश ब्राजील है, जो धीरे धीरे भारतीय बाजार पर हावी होता जा रहा है। यही कारण है कि पर्याप्त भंडार होते हुए भी विगत कुछ वर्षों में अब्रक का उत्पादन घटता जा रहा है। इस प्रकार भारत में अब्रक खनिज विस्तृत रूप से फैला हुआ है और उपयोगी खनिज है। धन्यवाद।